फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितिका सक्सेना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंशंस। सो कॉम्प्रिहेंशंस को हम हिंदी में बोलते हैं समझने की शक्ति, कि हम में एक चीज़ को समझने की कितनी पावर है, हम कितनी जल्दी चीज़ों को अडैप्ट कर लेते हैं, उसको हम समझने की शक्ति बोलते हैं। सो हम समझने की शक्ति अपनी जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो, और कैसे बढ़ा सकते हैं वो, हम बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नॉट ओनली इंग्लिश, कोई सी भी ऐसी लैंग्वेज, स्पैनिश, फ्रेंच, इवन हिंदी, जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। सो ऐसे ही जो आज कॉम्प्रिहेंशन हमारा टॉपिक है, उसमें हम आज क्या करेंगे, हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और हम उस समय ये भी समझ में आएगा कि जो भी आपके वर्कबुक में एक्टिविटीज़ दी गई हैं आपको उसको कैसे करना है। और साथ में आज हम दो तीन एक्टिविटीज़ करेंगे, उससे हम देखेंगे कि एक चीज़ को, एक्टिविटी को करने के लिए हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जैसे अब आपको एक एक्टिविटी करने के लिए रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो उसके लिए आपको रीडिंग आनी चाहिए। आप रीडिंग कैसे करते हो? रीडिंग के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। रीडिंग के लिए जब तक आपके अंदर आपको शब्दों का मतलब नहीं पता होगा, तब तक आप एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक एक काम को करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस होती है जो आपको करनी पड़ती है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं अपनी पहली एक्टिविटी। ये आपकी वर्कबुक में भी दी गई है। सो इस एक्टिविटी में क्या है, हमको एक्चुअली मैं एक स्टोरी पढ़ूंगी, ठीक है, एंड देन इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं उसके आंसर भी दूंगी, ठीक है। सो पहले मैं अपने आज के हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। जो छोटी सी स्टोरी है, राहुल वेंट फॉर अ पिकनिक विद हिज फैमिली। मैं आपको इसके लिए हिंदी में डिक्टेट कर देती हूँ। राहुल अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया। दे पैक लॉट्स ऑफ फूड टू ईट। वो बहुत सारा खाना अपने साथ पैक करके ले गए। दे सेट ऑन द ग्रास। वो वहाँ पे घास पे बैठे। दे प्लेड क्रिकेट एंड बैडमिंटन। वो वहाँ पे क्रिकेट एंड बैडमिंटन खेला उन्होंने। राहुल जम्प्ड अराउंड एंड डांस्ड विद हिज पेरेंट्स। राहुल ने वहाँ पे खूब कूदाकूदी करी एंड उसने अपने पेरेंट्स के साथ डांस किया। दे वर ऑल हैप्पी बिकॉज इट वॉज अ नाइस डे। वो सब बहुत खुश थे बिकॉज वो उनका जो दिन था वो बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। इन द इवनिंग दे वर टायर्ड एंड केम होम एट 6 PM। शाम को वो लोग बहुत थक गए थे और वो 6 बजे वापस आए, ठीक है। सो आप अगर आप देखोगे तो इसी के नीचे कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे कि PM हम कब बोलते हैं? PM हम बोलते हैं 12 noon से लेकर रात के 12 बजे तक, ठीक है। फेवरेट बोले तो पसंदीदा, जंप बोले तो कूदना फादना, एडामेंट बोले तो इनफ्लेक्सिबल। जो एडामेंट इनफ्लेक्सिबल से हमारा मतलब होता है जो बहुत अड़ियल होता है अपने एटीट्यूड में और बहुत ज़्यादा जो लचीला नहीं होता है, हम उसको एडामेंट बोलते हैं। ड्रिंक मतलब हम पहले कुछ पिया, टुगेदर बोले तो साथ में। तो ये आपकी शब्दावली है। सो एक एक्टिविटी आप लोग की भी ये भी दी गई है कि आप लोग अपने एक वोकैबुलरी चार्ट बनाओ। आप जो भी पढ़ते हो, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो आप जो वर्ड्स आपको लगते हैं आपको उसका मतलब नहीं पता, आप उसको हाईलाइट करो और देन गूगल पे या अपनी डिक्शनरी पे उसका मतलब समझो। उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और आप अपनी वोकैबुलरी चार्ट बनाओ जिसमें नए नए वर्ड्स जो आप सीख रहे हो उसको लिखो। जो चीज़ ऐसे तो कहने का हमारे पास सारे वर्ड्स हमको बताएं क्यों, हमारे पास डिक्शनरी है और हमारे पास गूगल है, लेकिन जो वर्ड्स आप खुद से याद करके लिखोगे उसका इम्पैक्ट अलग होगा, वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। तो आपकी एक एक्टिविटी है वोकैबुलरी चार्ट, तो आप वो वोकैबुलरी चार्ट बनाइए। सो अभी हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी राहुल की, अब वो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि उसमें प्रेफर्ड चॉइसेस हैं। व्हाट डिड राहुल डू विद हिज फैमिली। राहुल ने अपनी फैमिली के साथ क्या किया, हमने भी स्टोरी पढ़ी थी। राहुल क्या कर रहा था, राहुल अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया था। तो दो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेंट फॉर अ पिकनिक और रोट अ लेटर। तो हमने यहाँ हमने बताया वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गया था, तो वील चेक ऑन वेंट फॉर द पिकनिक। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे टेक विद देम। वो अपने साथ क्या लेके गए थे, कार लेके गए थे या फूड लेके गए थे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, दे हैड टेकन लॉट्स ऑफ फूड विद देम। सो वो अपने साथ खूब सारा खाना लेके गए थे। सो फूड इसका आंसर है। व्हाट डिड दे सिट ऑन, वो किस पे बैठे थे, ग्रास पे बैठे थे या चेयर पे बैठे थे। तो हमने पढ़ा था ग्रास पे, तो उसका आंसर होगा ग्रास। विच गेम डिड दे प्ले, उन्होंने कौन सा गेम खेला,
फुटबॉल या क्रिकेट, तो अगर हम कोई आपको याद है तो हमने बोला था कि उन्होंने बैडमिंटन और क्रिकेट खेला था, तो इन दो ऑप्शंस में से हम चेक करेंगे क्रिकेट पे। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड दे ऑल कम होम, वो घर सब लोग घर वापस कब आए, तो हमने पढ़ा था कि वो 6 बजे वापस आए थे। सो आप लोगों ने देखा, मैंने जो भी आपको एक एक्टिविटी कराई, जो मैंने स्टोरी आपके लिए पढ़ी थी, उस स्टोरी के लिए मैंने पहले वो स्टोरी को पढ़ा और मैंने एक एक वर्ड का मतलब समझा, ठीक है। सो जब मैंने उसका मतलब समझा तो मैं उन क्वेश्चंस को आंसर देने में बहुत आसानी रही मुझे। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है इस टॉपिक को करने का वो यही है कि आप जो भी करो उसको समझ के करो। आप अगर केवल करने की वजह से कर रहे हो तो आपको वो कभी भी याद नहीं रहेगा, कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो आप जो भी कर रहे हो वो इस हिसाब से करो कि आप जो है उसको सीखना चाहते हो तो आप उसको समझो। देखिए, हिंदी समझने का बहुत सरल सा उपाय है, आप जो भी हिंदी पढ़ते हो उसको समझने के लिए आपको हिंदी में, इंग्लिश जो भी आप समझते हो पढ़ते हो उसको समझने के लिए आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो विच इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, कि आप इंग्लिश पढ़ो और उसको हिंदी में अपने लिए ट्रांसलेट करो, अपने लिए समझो, ठीक है। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए आपको सोचना भी इंग्लिश में पड़ता है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि राम एक लड़का है और फिर मैं बोलूं कि अब मुझे बोलना है राम एक लड़का है, तो मैं बोलती हूँ राम एक लड़का है, अच्छा राम इज अ बॉय, तो उसमें क्या हो रहा है कि मैं हिंदी में बोल के उसको हिंदी में सोच रही हूँ और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही हूँ, जिससे मुझे कम्युनिकेट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप जब सोचते भी हो ना तो आप उसको इंग्लिश में ही सोचो, तो आप भले ही उसको पूरा टूटा फूटा सोचोगे लेकिन वो आपका धीरे धीरे आप उसको अपनी मेमोरी को शार्प कर रहे हो, धीरे धीरे आप उस वे में आगे जा रहे हो कि आप वो सेंटेंसेस आगे जाके इजीली बोल पाओगे। सो राम इज़ अ बॉय, इट वॉज वेरी इजी टॉप सेंटेंस। तो आप, मेरा कहने का जो तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आपको हिंदी, इंग्लिश से हिंदी समझने के लिए उसको हिंदी में आपको बाद में जाके ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए आपको सोचना भी इंग्लिश में ही पड़ेगा, और इंग्लिश में सोचने के लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप जो भी वर्ड पढ़ते हो उसको, वोकैबुलरी को अपने अपने जहन में बिठाओ, उसको समझो, उसका मतलब समझो, तभी आप चीज़ को कर पाओगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एक्टिविटी। तो जब आप अपनी वर्कबुक देखोगे तो आपको उसमें ना कुछ ऐसे करके एक कुछ जंबल वर्ड्स लेटर्स मिलेंगे, अल्फाबेट्स मिलेंगे, ठीक है। सो आपकी एक्टिविटी ये है कि रीड केयरफुली एंड सर्च एट लीस्ट 5 roots, ओके। सो आपको ये जो है 5 roots इसमें जो है आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। सो ये एक्टिविटी आप प्लीज़ अपने हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को ज़रूर करनी है ये एक्टिविटी, उससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, ठीक है। सो एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ इस एक्टिविटी को करने का, ठीक है। सो यहाँ पे एक ये है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, यहाँ पे लिखा है बनाना, BANANA बनाना, ठीक है। सो आपकी कि हम वर्ड को कैसे चूज करते हैं, सो यहाँ पे लिखा है BANANA बनाना, ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10th line में सेकेंड वर्ड से शुरू हो रहा है बनाना। आप लोग को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये बनाना लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाना सर्च किया है वैसे ही आपको जो है आगे के और फ्रूट 4 बाकी के फ्रूट्स जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। सो आप ऐसे करोगे, आप ये वाली एक्टिविटी करोगे तो इससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आपको वर्ड्स को समझने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। सो हम एक एक्टिविटी और कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोना हेल्प यू, आपकी वोकैबुलरी चार्ट में आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। सो मैं ये स्टोरी पढ़ती हूँ आपके लिए, ठीक है, और मैं उसका हिंदी में मतलब भी समझाऊंगी। स्टोरी है एक मंकी है ना क्रोकोडाइल की, एक बंदर की और एक क्रोकोडाइल की, ठीक है, मगरमच्छ की। सो एन ओल्ड मैंगो ट्री ग्रू इन अ फॉरेस्ट बाय द रिवर, जंगल में एक पुराना आम का पेड़ था जो बहुत सालों से वहां पे था, नदिया के पार, ठीक है, नदिया के पास। द मैंगोज ऑफ द ट्री वर स्वीट एंड टेस्टी, उस पेड़ के जो आम थे वो बहुत टेस्टी थे और बहुत मीठे थे। द फॉरेस्ट वॉज बिग एंड डार्क, द फॉरेस्ट बोले तो जंगल बहुत ही बड़ा था और बहुत ही घना था। डार्क का मतलब गहरा भी होता है, हम यहाँ पे, बट यहाँ पे हमारे लिए जो जंगल का मतलब है वो है
घना और काला और बड़ा जंगल था, ठीक है. अ मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री एंड अ क्रोकोडाइल लिव्ड इन द रिवर विद हिज वाइफ. सो जो मंकी था, जो बंदर था, वो पेड़ पे रहता था और क्रोकोडाइल जो था नदी में रहता था अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ. बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड्स. वो जो दोनों थे ना, बंदर और मगरमच्छ, वो दोनों दोस्त थे. एवरी डे द मंकी गेव द क्रोकोडाइल टू मैंगोज फॉर हिम एंड हिज वाइफ. रोज के रोज बंदर उसकी वाइफ के लिए और उसके लिए उस क्रोकोडाइल को दो मैंगोज देता था उस पेड़ से तोड़ के, ठीक है. वन डे द क्रोकोडाइल्स वाइफ टोल्ड हिम द मैंगोज वर वेरी स्वीट. आई एम श्योर द हार्ट ऑफ द मंकी. एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ ने क्रोकोडाइल से कहा, द मैंगोज आर वेरी स्वीट. आई एम श्योर द हार्ट ऑफ द मंकी हु गिव्स दीज मैंगोज टू यू वुड बी इवन स्वीटर. उसने बोला कि जो आप मैंगो लाते हो ना, जो आप आम लाते हो, वो बहुत मीठे हैं, बट मुझे लगता है जो मंकी आपको ये देता है ना, उसका दिल मैंगोज की तरह ही, मैंगोज से ज़्यादा ही मीठा होगा. उस बंदर का जो दिल है वो इस आम से ज़्यादा मीठा होगा. आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट. मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ. इन्वाइट हिम टू अ पार्टी इन हर हाउस. आई देन ईट हिम. आप उस बंदर को पार्टी में इन्वाइट करो, बुलाओ उसको, उसको निमंत्रण दो और मैं फिर उसका दिल खाऊंगी. पुअर क्रोकोडाइल वॉज सैड. जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ था वो बहुत दुखी हुआ. ही ट्राइड टू टॉक टू हिज वाइफ बट शी वॉज एडमेंट. उसने अपनी वाइफ से जो है बात करने की इस बारे में कोशिश करी, बट वो बहुत अड़ियल थी इस मामले में कि नहीं, मुझे तो खाना है. द क्रोकोडाइल वेंट टू मीट द मंकी एंड इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी. क्रोकोडाइल मंकी से मिला और उसने उसको पार्टी में इन्वाइट किया. द मंकी वॉज हैप्पी एंड सैड. मंकी बहुत खुश था. उसने बोला, हाउ विल आई गो टू योर हाउस डियर फ्रेंड, आई कैन नॉट स्विम. वो बहुत खुश तो था बट उसने कहा कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं तो स्विम कर ही नहीं सकता. फ्रेंड जम्प ऑन टू माई बैक एंड आई टेक यू. क्रोकोडाइल ने उससे कहा, दोस्त तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ एंड देन वील गो. तो उसने कहा ठीक है. इन द मिडल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट हिज वाइफ वॉन्ट्स टू ईट हिज हार्ट. तो क्रोकोडाइल रास्ते में जाते जाते, क्योंकि क्रोकोडाइल उसका अच्छा फ्रेंड था, उसने बोला कि मेरी जो वाइफ है ना, वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है. उसने उसको रास्ते में बता दिया. मंकी वॉज शॉक्ड बट थॉट केयरफुली एंड सेड. मंकी को बहुत अचंभा हुआ कि यार ये ऐसे मेरे दिल खा लेगी तो मैं तो मरी जाऊंगा. बट उसने बहुत ध्यान से सोचा और उसने बोला, फ्रेंड आई हैव फॉरगॉटन माई हार्ट ऑन ट्री. मैं अपना दिल पेड़ पे ही छोड़ आया हूँ. प्लीज टेक मी बैक, आई विल टेक एंड कम. मैं उस दिल को लेके आता हूँ एंड देन हम लोग साथ में चलेंगे. द फुलिश क्रोकोडाइल टुक हिम बैक. वो जो क्रोकोडाइल था, मंकी ने उसको बेवकूफ बना दिया और क्रोकोडाइल उसको साथ उसके लेके वापस चला गया. द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड वेव टू द क्रोकोडाइल. मंकी जो था एकदम से पेड़ पे वापस चढ़ गया और उसने क्रोकोडाइल को बाय बोला. तो बोला, गुड बाय, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर. चलो बाय टाटा, अब हम लोग फ्रेंड्स नहीं रह गए. सो एक ये स्टोरी मैंने आपके सामने पढ़ी है और इसके आगे पांच क्वेश्चंस जो है ये लिखे हुए हैं. सो वो पूछता है, हाउ मेनी मैंगोज डिड द मंकी गेव एवरी डे टू द क्रोकोडाइल. रोज वो कितने क्रोकोडाइल को मैंगोज देता था. तो हमने भी स्टोरी में पढ़ा था वो दो मैंगोज देता था, एक उसके लिए उसकी वाइफ के लिए. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा टू. वॉज द मंकी हैप्पी टू बी इन्वाइटेड टू अ पार्टी. उसने, आपको याद है तो, ही वॉज हैप्पी बट उसने बोला था कि मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो स्विम करना आते ही नहीं है. तो यस, ही वॉज हैप्पी. वेयर वॉज द पार्टी. पार्टी कहाँ थी? पार्टी क्रोकोडाइल के घर पे थी. क्रोकोडाइल ने अपने घर पे उसको इन्वाइट किया था. वॉट पार्ट ऑफ मंकी डिड क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉन्ट टू ईट. क्रोकोडाइल की बीवी कौन सा पार्ट खाना चाहती थी मंकी का? वो उसका दिल खाना चाहती थी. ठीक है. वॉट इज योर फेवरेट फ्रूट. अब इसमें ये पूछते हैं कि वॉट इज योर फेवरेट फ्रूट. तो आप अपना अपना जवाब दे सकते हो. वैसे तो सबका एक फलों का राजा आम, आम मोस्टली सबका फेवरेट होता है. सो आप यहाँ पे अपने अपने फेवरेट फ्रूट का जवाब दे सकते हो. सो जैसे कि हमने आज देखा कि कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझने की शक्ति. तो आप
क्वेश्चंस का आंसर तभी कर सकते हो जब आपने जो चीज़ का आंसर करना है उस पूरी स्टोरी को, उस पूरे कंटेक्ट को आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। समझने के लिए आपकी जो भी प्रिफर्ड लैंग्वेज है आप उसको उसमें हिंदी में आराम से समझो, समझ हिंदी में समझने की कोशिश करो, फिर आपने क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको हिंदी में समझने की कोशिश करो, देन आप आंसर दो। तो आपको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, देन उसका आंसर देना पड़ेगा। ये रियल लाइफ में कैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो समझने की शक्ति, हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर रहे हैं वो क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं, सो दैट हम आगे की जो हमें आगे वाली जो हमारी ज़िंदगी है जहाँ हमें अपना करियर बनाना है, तो हमको आगे जाके जो भी काम करना है वो बहुत सरलता से, बहुत समझ के और चीज़ों को अच्छे अच्छे तरीके से समझ के ही करना चाहिए। तो ऐसे ही सारी लैंग्वेजेस और ऐसे ही सारे कार्य, सारे जितने भी काम आपको करने हैं, यू शुड अंडरस्टैंड इट नाइसली एंड देन ओनली आपको वो काम करना चाहिए। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस टॉपिक हेयर ओनली एंड देन वी मीट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक अगेन। ऑलराइट, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।